अभी जो आपको हमने वीडियोस दिखाए वो गुजरात और मुंबई के हैं। दोनों ही राज्यों में समुद्र उफान पर है, समंदर के किनारों पर लहरें बेकाबू होते दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो समुद्र अपने सारी जंजीरों को तोड़कर अपना विकराल रूप धारण करना चाह रहा हो। समुद्र में इस तरह के उथल पुथल का कारण बिपोरजॉय तूफान ही है। बिपोरजॉय 15 से 16 जून के आसपास गुजरात के तटों से टकरा सकता है। तूफान के चलते केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक में अलर्ट जारी है। तूफान का अलर्ट लगभग 9 राज्यों में जारी किया गया है। तूफान से लड़ने के लिए सेना, NDRF, SDRF समेत शासन प्रशासन और संबंधित विभागों ने मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 30,000 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर तटों के किनारों से शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया है। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय की दस्तक से पहले ही गुजरात के तटीय इलाके में तेज हवाएं चली और इनके कारण कई टीन शेड ही उड़ गए, तो कहीं पार्किंग में खड़ी बाइक स्कूटी तेज हवा की वजह से अपने स्थानों से सरक गई। CCTV या मोबाइल कैमरे में कैद ये सभी घटनाएं अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इन पर यूजर्स तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इन वीडियो से समझा जा सकता है कि बिपोरजॉय आने पर कैसा नजारा होगा और कितनी तेज हवाएं चल सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में एक यूजर ने लिखा है कि तूफान बस गुजर जाए, मेरी प्रार्थनाएं हैं कि सब सुरक्षित रहें। वहीं एक वीडियो को साझा करते हुए बताया है कि गुजरात के तटीय इलाके में तेज हवाओं के बीच काले बादल मंडरा रहे हैं, यानी तूफान के साथ ही बारिश होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हालत और तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी सेनाएं स्थिति से निपटने और हर संभव सहायता करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन उनके सही लोकेशन पता नहीं चल सकी है। एक यूजर प्रतीक प्रताप सिंह ने 27 सेकंड के वीडियो क्लिप से बताया है कि तूफान का गंभीर असर होगा, क्योंकि इसके आने से पहले ही राजकोट में तेज हवाएं चल रही है। ये इतनी ज्यादा तेज हैं कि इनके कारण पार्किंग में खड़ी बाइक्स, स्कूटी आदि अपने स्थान से सरक रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई जादुई शक्ति से इन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। एक वीडियो में भारी भरकम टीन शेड हवा में उड़ता नजर आया। इसे रिकॉर्ड करने वाले के साथ ही दो बाइक सवार भी इस टीन शेड की चपेट में आते आते बच गए, वरना वहां बड़ा हादसा हो सकता था। गुजरात के द्वारका में तेज हवाएं चल रही हैं और काले घने बादल छाए हुए हैं। एक यूजर ने वहां से वीडियो शेयर कर कहा कि प्राकृतिक आपदा का भयानक दृश्य देखने को गुजरात में मिल रहा है। ऐसे ही तमाम वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को देखकर जहां एक तरफ लोग हैरान हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस तूफान की वजह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए इन वीडियोस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, इस तरीके से इस बिपोरजॉय तूफान को कम किया जा सकता है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।